जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोग फ्रंट पेज पर ही देख पा रहे हैं, सीजी नर्सिंग जो आप सभी लोगों ने दिया था, काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और काफ़ी बच्चे नॉट क्वालिफाई हुए। तो जो बच्चा नॉट क्वालिफाई हुआ है उसके लिए पुनः मेहनत करने की आवश्यकता है और हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। अब बात आती है कि कितना बच्चा यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है और कितना बच्चा क्वालिफाइंग होकर अब क्या प्रोसेस होगी उसकी, क्योंकि आपको पता नहीं रह पाता है कि आपको अब आगे क्या करना है, क्या काउंसलिंग करना है, कहां से काउंसलिंग होगी, ये कोई भी अपडेट आपको शेड्यूल पता नहीं रहता। परंतु अगर आप समाधान स्टडी से जुड़े हैं तो आपको हर एक चीज़ें पता होना चाहिए। तो संचालनालय द्वारा एक नोटिस जारी किया है, कहां से किया है, कब होगा काउंसलिंग, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है। अब ये जो आया है आपका 29/7 का ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आज की डेट, आज क्या है तो आज का 4 अगस्त है बच्चा। 4 अगस्त को भी नोटिफिकेशन आया है बट वह जो है नोटिफिकेशन ऑन नहीं हो रहा है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कब जो है कब एक्टिव होगा। देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य में समस्त शासकीय और जो है निजी नर्सिंग महाविद्यालयों में संचालन बीएससी नर्सिंग, आपका एमएससी, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, ये सारे जो डिप्लोमा कोर्सेस है उनके लिए जो है क्या है आपको काउंसलिंग करवाना होगा, ठीक है। प्रवेश प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है, जैसे कि आपको लिखा हुआ है। और इन्होंने कहा है कि काउंसलिंग समिति के द्वारा जो है, इन्होंने कहा है कि संचालनालय में यहाँ पर दिया हुआ आपको जो है क्रमांक भी दिया है कि 7765/nursing, ठीक है, 2022 ये सब कुछ लिखा है, ठीक है। और 2019 के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्ट हुआ। इच्छुक जो विद्यार्थी, इन्होंने कहा है कि जो इच्छुक अभ्यर्थी है को सूचित किया जाता है कि नर्सिंग जो है काउंसलिंग से अनुमति एवं आयुष विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त संस्थान को काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाएगा। और ये आपका ऑफिशियल नोटिस है और इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपके समक्ष है। अब इसका शेड्यूल मैं आपको बता दूं कि कब से कब आएगा, फर्स्ट अलॉटमेंट, सेकंड अलॉटमेंट और सारा का सारा शेड्यूल आपके समक्ष है। आपका इसमें जो है बीएससी नर्सिंग भी होगा, एमएससी भी होगा, ठीक है, ये सारा का सारा होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5/8 तो बच्चा कल से ही आपका क्या होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है नोटिस आएगा और 5 से लेकर ही आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे जितना बच्चा क्वालिफाइंग हुआ है, ठीक है साथियों, उतना ही बच्चा क्या कर पाएगा यहाँ पर 5 से लेकर 11 तक क्या करेगा यह एप्लीकेशन, मतलब ये फॉर्म को फिल कर सकेगा। देन उसके बाद 12 को जस्ट एक दिन बाद आपकी पब्लिक जो है, ठीक है, पब्लिशिंग जो एक मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद जस्ट 13 को आपका फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आएगा। कब? 13 अगस्त को आपका फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आएगा और 13 से लेकर आप लोग 18 तक इस जो है अलॉटमेंट लेटर को जारी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और इसके थ्रू अपना एडमिशन करवा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका 13 से लेकर, ठीक है सत्ता जो है, उसके बाद जो है आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद तुरंत ही आपका 21/8 को सेकेंड अलॉटमेंट लेटर आएगा। क्या आएगा? सेकेंड। आपको बार बार चॉइस फिलिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। फिर 21 से लेकर 25 तक आप लोग जितना भी बच्चा सेकेंड काउंसलिंग में सेलेक्ट होगा वह जो एडमिशन करवाएगा। फिर आता है आपका मॉपअप राउंड। ये क्या है? जो आपका कॉलेज में सीएलसी राउंड होता था ना, तो यही आपका मॉपअप राउंड, जितनी सीटें बची रहेगी आपकी कॉलेज वाइज उसमें आपका मॉपअप राउंड के थ्रू इन्हें जो है फेल किया जाएगा। तो ये सारा का सारा शेड्यूल आपके समक्ष है, ठीक है बच्चा, और ये सब कुछ आपके यहाँ है। अब ये आपको बता दूँ, ये ओनली और ओनली बीएससी वालों का है, जिसने भी क्वालिफाइंग किया है उनको देखने का जो है बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल पाता है इस शेड्यूल के बारे में। और हमारे पास जो है एमएससी का भी है, ठीक है बच्चा, उसके बाद जो है एमएससी का है, पीबी बीएससी नर्सिंग वालों का भी है, सभी लोगों का शेड्यूल यहाँ पर जारी हो चुका है। तो आप लोग जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने कहाँ से इसे डाउनलोड किया है और आप लोग खुद ही इसे देख सकते हैं। तो चलिएगा, आइए यहाँ पर मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। ये देखिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग आ चुके हैं, अब ये पेज ऑन हो पा रहा है। ये देखिए डायरेक्ट टॉप मेडिकल एजुकेशन की ऑफिशियल साइट पर है और यहाँ पर मैं आपको होम पेज पर लेकर चलता हूँ। इसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स
बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, डायरेक्टली आप लोग जो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए गाइस, मैंने आपको कहा था कि 4 का भी जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है, 4 अगस्त का भी, और मैं सिंपली इसे क्लिक करता हूँ। ये आपके बीएससी नर्सिंग वाले साथियों के लिए है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अटैचमेंट करता हूँ, तो ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा, मतलब ये अभी जो है एक्टिव नहीं हुआ है। अभी कुछ टाइम के बाद या तो यह नाइट में, तो आपको यह अगर एक्टिव होगा देन उसके बाद ही, ये देखिए इसमें भी पूरा शेड्यूल के बारे में सब कुछ दिया रहेगा, तो मॉर्निंग में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। इसमें और कुछ जानकारी आई है क्या, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ, और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना, ये सारा का सारा आपको स्टेप बाय स्टेप हमारे ही चैनल पर मिलेगा। तो चलिए आइए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।